हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बढ़िया। तुम बताओ। सौरभ, एक चीज से मैं काफी समय से जूझ रहा हूँ। अब जैसे मेरे पेरेंट्स हैं पुणे में, ठीक है, तो मैं जब भी पुणे जाता हूँ ना, तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। मतलब घर के पास में भी हमारे बहुत सारे छोटे छोटे दुकान हैं, और जब मैं बैंगलोर में आता हूँ तो वो छोटी दुकानें तो दिखती नहीं है। वो बात अलग है कि मैं बैंगलोर में भी मतलब दूर रहता हूँ, एयरपोर्ट के पास रहता हूँ, पर यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बड़ी थोड़ी सुपरमार्केट टाइप की दुकानें हैं और चार पांच ही होती है। ये छोटी सी जो दुकानें हैं वो है नहीं, तो मुझे थोड़ा डिफरेंस लगता है और हमेशा मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों है। आपने भी ऐसा नोटिस किया है क्या? नहीं, मेरा ऑफिस मल्लेश्वरम में है, तो वहां पे मुझे सब छोटी दुकानें दिखती है। अच्छा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से हर शहर में ऐसे इलाके रहते हैं जहां पर यूजली जैसे पुराना शहर जो होगा या ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द टाउन होगा, वहां पे आपको छोटी दुकानें दिखेंगी। और जो नए शहर के टाउन एरियाज हैं जहाँ पे डेंसिटी स्पेशली थोड़ी सी अपार्टमेंट टाइप वाली है, वहां पे तुम देखोगे ज्यादा थोड़ी सुपरमार्केट टाइप्स। इवन अगर लोकल प्लेयर्स भी हैं, ब्रांडेड सुपरमार्केट नहीं भी हो, एटली बैंगलोर में तो बहुत ही स्पेशली बहुत ही एंटरप्राइजिंग मलयाली एंटरप्रेनर्स हैं जिन्होंने लोकल सुपरमार्केट स्टाइल खोल रखी हैं। वो बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। और वो शायद बैंगलोर के बाहर कम है। मेरे ख्याल से बैंगलोर डेफिनेटली थोड़ा मार्केट लीडर है इस चीज में। हाँ, नहीं, मैं भी सौरभ कंपैरिजन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पुणे में भी बाहर ही रहता अच्छा हूँ, ठीक। और फिर भी वहां पर भी शहर के बाहर भी छोटी छोटी दुकान। तो खैर, बात यही है कि ये सेक्टर मुझे काफी रुचि है इसमें, लेकिन इसके बारे में ज्ञान तो है नहीं ज्यादा। तो हम सोचते हैं इसमें रिटेल भारत में क्या है, कैसा है, इसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक रहेगा ना? बिल्कुल बढ़िया टॉपिक है। हाँ, और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज अमित मित्तल। अमित एक स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग कंपनी में काम करते हैं, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के ऊपर, और भारतीय रिटेल के बारे में उन्होंने काफी कुछ स्टडी किया है। और अमित पुलियाबाजी के एक लिसनर रहे हैं, और उन्होंने हमें ईमेल किया पुलियाबाजी सुनने के बाद कि वो भी पुलियाबाजी पे आना चाहते हैं। तो अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और शुक्रिया आप पुलियाबाजी में इंटरेस्ट दिखाया। धन्यवाद प्रणय, धन्यवाद सौरभ। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आखिर मेरा पहला पॉडकास्ट है, पर देखते हाँ, हैं कैसा जाता है। बिल्कुल। तो अमित, शुरुआत एकदम शुरू से ही करते हैं, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं। तो ये भारत का जो रिटेल मार्केट बोलते हैं वो कितना बड़ा है, और वैसे हम लोग ये रिटेल को परिभाषित कैसे करें? रिटेल में क्या आता है और क्या नहीं आता है? ठीक है, तो सौरभ इसको थोड़ा जीडीपी से शुरू करते हैं। कि अगर आप माने लगभग 2019 2020 में भारत का जीडीपी तकरीबन 200 लाख करोड़ है। उसका तकरीबन 60% कंजम्पशन माना जाता है। मतलब इंडिया इज मेनली ए कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। उसका तकरीबन आप मान लीजिए 60%, तकरीबन 120 लाख करोड़ हो गया कंजम्पशन। उसमें कंजम्पशन रहता है गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, मतलब उसमें सर्विसेज वगैरह का भी कंजम्पशन आता है। एंड जैसे इस एक सौ नाई हो गया, सर्विस हो गया, जैसे नाई हाँ की नाई हो दुकान गया, वगैरह घर पे आपके कोई काम करने आ रहा है तो वो काम करता है, सर्विसेज वो भी वगैरह भी होता उसमें आ जाती हैं। है। उसमें 120 में से तकरीबन 50 50 होता है हमारा रिटेल मार्केट। मतलब 50 लाख करोड़ को आप अच्छा। लगभग मान सकते हैं भारत का रिटेल रिटेल मार्केट है। अच्छा। इसमें रिटेल मार्केट में आपके काफी सारे सब सेक्टर्स आ जाते हैं। इसमें आपके सब सेक्टर्स आ जाएंगे जैसे कि फ्रेश खाना, जैसे कि मान लीजिए आपका फूड प्रोडक्ट्स, फिर पैकेज्ड प्रोडक्ट्स, इवन आपका डेयरी, ऑयल्स, बेवरेजेस। सो काफी इसमें काफी रेंज है। मतलब फिर आपकी दवाइयाँ, ब्यूटी, होम एंड इंटीरियर्स, इवन ज्वेलरी, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते, और भी कुछ कुछ छोटी छोटी कैटेगरीज भी इसमें आ जाती हैं। पर तकरीबन ये सब कुल मिला के आपका 50 लाख करोड़ के तकरीबन का इंडिया का रिटेल मार्केट है 2019-20। ये मतलब लगभग मतलब तो थोड़ा हाँ एक चौथाई भारत की एक चौथाई इकोनॉमी मान का। के चल सकते हैं। हाँ ठीक है। ओके, तो अच्छा बड़ा तो हो गया। ये और इसमें सबसे बड़ा प्लेयर कितना होगा इसमें, इस रिटेल हाँ मार्केट का सबसे बड़ा रिटेलर कौन है इंडिया का? तो सबसे बड़ा रिटेलर तो ऐसे तो मतलब रिलायंस, क्योंकि काफी सारी सेगमेंट्स में खेलता है, तो रिलायंस एक काफी बड़ा
रिटेलर है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक हो गया रिटेलर जिसके पास आप जाके सामान खरीद रहे हैं, और एक हो गया ब्रांड जिसका सामान आप खरीद रहे हैं। तो रिटेलर, क्योंकि इंडिया में अभी हम उस पर आएंगे कि इंडिया में ऑर्गेनाइज रिटेलर्स कम है, तो आपके रिलायंस, मोर, बिग बाजार, ये सब कम है, उतना ज्यादा शेयर नहीं है इनका, ये 50 लाख करोड़ की मार्केट में अभी भी। अच्छा। ये 50 लाख करोड़ का मतलब तकरीबन 85% होगा आपका मोमेंट, मतलब जो छोटे किराना है, मतलब 80-85% अभी भी तकरीबन छोटे ब्रांड वाले हैं। हाँ, 15% विल बी मतलब आपका ब्रांड और ई कॉमर्स दोनों मिलाकर, मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट को भी गिनना है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी इसमें आ जाता है, मतलब तकरीबन आप 80% 80 और 20 मान लीजिए, मतलब क्योंकि वो नंबर थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज होते रहते हैं, तो 80-85% आपका छोटे किराना और तकरीबन 15-20% ये बाकी, ऐसा इसमें मान सकते हैं। और तकरीबन कितनी दुकानें होंगी, ऐसा कुछ एस्टिमेट है क्या? क्योंकि ये दुकानों को भी तो रजिस्टर करना पड़ता है, हमारे बहुत सारे, एक नहीं कई सारे रूल्स होते हैं, तो कितने नंबर होगा उनका? तो दुकानें इंडिया में काफी ज्यादा है, मतलब इंडिया में तकरीबन 1.4 करोड़ दुकानें हैं। अब ये दुकानें, हाँ मतलब ये दुकानें काफी छोटी भी हो सकती हैं, कि मतलब पेड़ के नीचे किसी ने छोटा सा स्टॉल लगा के सिगरेट बेच रहा है, वो भी एक दुकान मानी जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट वहां पे मिल रहा है। और ये बड़ा स्टोर भी, मतलब जो प्रॉपर आपकी किराने की दुकान होती है प्रॉपर बड़ी, वो भी इसमें आ जाएंगे। पर लगभग 1.4 करोड़, हर 100 आदमी पे एक दुकान है, हर 100 आदमी पे एक दुकान है, बिल्कुल। और कई सारी जो ये 1 करोड़ दुकानें हैं, उनमें से कई सारी दुकानें तो सिर्फ एक एम्प्लॉई वाली दुकानें होंगी, जो खुद दुकान चलाता है वही उस मालिक भी होगा शायद। बिल्कुल, वो ही दुकान चलाता है, उसी के जमीन है, उसी के घर के किसी ग्राउंड फ्लोर पे घर है, उसी में उसने अपनी दुकान खोली है। काफी काफी ऐसी भी होंगी, ओनर एम्प्लॉयर सेम ही है, काफी काफी ये भी होंगे। और घर दुकान भी सेम है, घर दुकान भी सेम है, घर दुकान भी सेम। अमित, ये तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, हर 100 लोगों के लिए एक दुकान, तो इसमें भारत अपवाद है क्या दूसरे देशों से? अगर हम लोग दूसरे इतना ही बड़ा कोई देश देखे, जैसे चाइना से कंपेयर कर लें अगर हम लोग, और अभी मतलब 10 साल पहले के चाइना से अगर हम लोग तुलना करें, या इंडोनेशिया से कर लें जो शायद थोड़ा हमसे और मिलता जुलता है देश है, हाँ, तो यहाँ पर भी इतने ही बड़ी मात्रा में ये दुकानें हैं क्या पर कैपिटा बेसिस पर? तो मतलब बहुत, इंडिया का नंबर बहुत अलग नहीं है इंडोनेशिया के कंपैरिजन में। इंडोनेशिया में भी मतलब तकरीबन आपकी 40-45 लाख तो दुकानें हैं ही। इंडोनेशिया में भी दुकानें तो काफी हैं। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन भी इंडिया की लगभग एक, मतलब 20% ही शायद इंडिया की पॉपुलेशन इंडोनेशिया की होगी, उससे भी मतलब इंडोनेशिया की पॉपुलेशन भी कम है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बट मतलब जो बड़ी और डेवलप्ड इकोनॉमीज हो गई हैं, जैसे कि US, चाइना, यूरोपियन इकोनॉमीज, उन सब में ये ट्रेडिशनल किराना मॉडल नहीं रहता। उसमें आपका मेनली मॉडर्न ट्रेड मतलब मॉडल रहेगा या फिर ई कॉमर्स रहेगा। ये किराना मॉडल थोड़ा सा अभी इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थोड़ा सा इमर्जिंग मार्केट्स जिनको आप कह सकते हैं, उन मतलब थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज में है, फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका वगैरह यहाँ पर है। बाकी और बड़ी इकोनॉमी जो इंडिया से ज्यादा बड़ी है उनमें नहीं है ये मॉडल। और मॉडर्न ट्रेड बेसिकली हम बोलते हैं जिसको, हम सुपरमार्केट आम भाषा में बात करते हैं जिसको, राइट? जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, या बिग बाजार हो गया, या मोर हो गया, ये मॉडर्न ट्रेड में आते हैं। बैंगलोर में लुलू भी आ गया है? अच्छा, मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं, अच्छा। वो वाला लुलू नहीं, दुबई वाला लुलू नहीं है ये? एक और लुलू है। अच्छा, इधर का। अच्छा, ये बैंगलोर में तो बहुत पहले से नीलगिरीज है, जैसे 1905 से ना, इतना पुराना बैंगलोर में तो बहुत पुराना ट्रेंड है सुपरमार्केट का। एक और डिस्टिंक्शन जो होता है कि एक सुपरमार्केट में आप वॉक इन कर सकते हैं, मतलब आप जाके सामान अपने हाथ से ले सकते हैं। किराना में नॉर्मली ये रहता है कि आप काउंटर के बाहर खड़े होंगे, आप बताएंगे कि मुझे ये चाहिए, और फिर वो सामान आप तक लिया जाएगा। आप एक तरह से जो कहते हैं ना, ब्राउज नहीं कर सकते आप, आपको अपनी लिस्ट उसे देनी पड़ेगी, और वो लिस्ट पे सामान जो है वो आपको मिलेगा।
थोड़ा सा ये भी एक अंतर रहता है। और मैं इन जनरल देखता हूँ, मेरे को बेसिकली वो मॉडल एक तरह से जो दुकानदार है उसने अपना थोड़ा सा काम आउटसोर्स कर दिया कस्टमर खुद को, जैसे उसमें जो दुकानदार है वो बिलिंग भी करता है और सामान आपके लिए ढूंढ के भी लाता है, जबकि मॉडर्न ट्रेड उन्होंने मेरे को लगता है इंटेलिजेंट फॉर्मेट है कि भाई आप कस्टमर से कहते हैं सामान अपना खुद उठा के ले आओ, मैं बस बिलिंग कर दूंगा, ठीक है। तो और आप एक ही समय अगर उसको ब्राउज करना है तो उतनी बड़ी जगह भी चाहिए। हाँ जगह लेकिन बढ़ी चाहिए। हाँ। और उसका एक फायदा भी, आपकी फ्रंटेज बढ़ गई एक तरह से। आप देखोगे कि जो छोटी दुकान किराने की होती है उसमें आप कितने कस्टमर्स को एक साथ डील नहीं कर सकते, तो लेकिन सुपरमार्केट में आप कस्टमर को क्योंकि अंदर आने देते हो, एक तरह से आपने अपनी दुकान की फ्रंटेज को आपकी आयल की लेंथ पे बढ़ा दिया, तो ये एक टेक्निकली अच्छी चीज है। हाँ पर सौरभ उसके साथ ये भी है कि आप किराने की दुकान में जिस हिसाब से सामान भर सकते हैं, एक मॉडर्न ट्रेड स्टोर में उतना सामान नहीं भर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो हाँ, चलने की जगह हाँ, भी आप नहीं छोड़ते वहां पे, तो वहां पे तो आपको सामान सब सलीके से लगा के रखना पड़ेगा। और वो दुकानदार का दिमाग में इन्वेंटरी जैसे भरी होती है उसका, मतलब वो पता नहीं कुछ भी पूछोगे वो कहीं से निकाल के ढूंढ के दे देगा, और ये मॉडर्न ट्रेड में तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इस ये कहना ठीक होगा कि जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था थोड़ी और विकसित होती है तो धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन होता है और ये सारे शॉप्स शायद या तो खुद ही और अमीर हो जाते हैं और बड़ी सुपरमार्केट में तब्दील हो जाते हैं, या फिर ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है, लोग और कोई काम करने लग जाते हैं, ये कहना ठीक होगा क्या? तो ऐसा दूसरी जैसे चाइना में तो ये सब मतलब बाकी इकोनॉमीज में ऐसा ऑब्जर्व करा गया है कि ऐसा होता है कि धीरे धीरे किराना और छोटे स्टोर्स का चलन कम होता है, ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड ग्रो करता है, पर एकदम ये नहीं होता कि एकदम ही ये बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। मतलब जैसे इंडिया में भी अगर आप 2010 की बात करें, 2010 में ई कॉमर्स लगभग ना के बराबर था, तब मॉडर्न ट्रेड वगैरह 5-6% था और किराना तकरीबन 95% थे। तो अब 10 साल में इतना फंडिंग आया, इतना सब आया, उसके बाद भी किराना लगभग 80-85% मार्केट का अभी भी है। किराना मतलब ये नहीं कि खाली किराना दुकान जो ये आपका ग्रोसरी बेच रहा है, बट और भी अनऑर्गेनाइज ट्रेड का अगर हम उस तरह से बने वो भी अभी 80-85% है। हाँ ज्वेलरी की शॉप्स कितनी है, ज्वेलरी हो गया, फिर आपका कपड़े की दुकान हो गई कितनी सारी, जो पेंट बेच रहा है, फिर आपका कपड़े बेच रहा है वो सब। हाँ तो वो भी अभी भी 80-85% मार्केट का है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अभी भी 80-85% है, जबकि मतलब इंडिया में वॉलमार्ट भी आया, मेट्रो भी आया, कैरेफूर भी आया, सब आए, पर अभी भी किराना अपनी जगह पे टिका हुआ है और टिका हुआ है। और थोड़ा सा इसमें और जो आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है वो ये हो रहा है कि अलग अलग मार्केट्स में अलग तरीके का बिहेवियर है। जैसे कि आप बैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर में किराना का शेयर काफी कम है, मॉडर्न ट्रेड ई कॉमर्स का शेयर बहुत ज्यादा है। तो तकरीबन जो नंबर 85% है इंडिया लेवल पे, बैंगलोर पे वो नंबर शायद 50% ही हो या उससे 50-60% हो, जबकि आप जितना टीयर 3 टीयर 4 में जाएंगे वो नंबर उतना बढ़ता जाएगा। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है वो ये हो रहा है कि ग्रोथ कहाँ पे आ रहा है। मतलब ग्रोथ हमारा ये जो नए चैनल्स हैं ई कॉमर्स, आपने जैसे लॉकडाउन में बिग बास्केट ग्रोफर सब यूज ही करा होगा, तो इन सब चैनल्स में काफी ग्रोथ आ रहा है, फिर मॉडर्न ट्रेड में काफी ग्रोथ आ रहा है। तो ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ का जो ड्राइवर है वो ये नए चैनल्स हो रहे हैं एटलीस्ट शहरों में। किराना उस ग्रोथ के साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहा एटलीस्ट बड़े शहरों में, तो वो एक थोड़ा सा डेवलपमेंट और होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है उनके काम खत्म नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ जो हाँ। है वो उधर जा रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग हाँ। किराने कोई खत्म भी नहीं हो रहे हैं उनकी, ऐसा नहीं है कि मार्केट शेयर छीन के ये लोग ग्रो हो रहे हैं, नहीं ग्रो कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज अमित मुझे पूछनी थी, जो मेरे को लगा शायद इंडिया में शायद टाइमिंग की वजह से या जो भी कहिए, वेस्टर्न कंट्रीज में एक तरह से मॉडर्न ट्रेड पहले आ गया और उसके बाद ई कॉमर्स मॉडर्न ट्रेड को छीन रहा है अब एक तरह से, पर इंडिया में सब कुछ एक साथ आ गया है। बिल्कुल। और मुझे कुछ कुछ ऐसा लगा कि जैसे जो किराने वाला आया और ई कॉमर्स थोड़ा दोनों के साथ कम्पीट कर रहा है, मॉडर्न ट्रेड के साथ भी कर रहा है, थोड़ा किराने के साथ भी कर रहा है। इनफैक्ट मॉडर्न ट्रेड शायद इंडिया में ठीक से पनप नहीं पा रहा है क्योंकि ई कॉमर्स पहले ही आ गया इससे पहले कि मॉडर्न ट्रेड अपने पांव जमाता। हाँ नहीं सौरभ, काफी अच्छा पॉइंट रेज करा है। इंडिया में किराना
मतलब जो छोटे स्टोर्स थे वो पहले तो मॉडर्न ट्रेड से फाइट कर रहे थे, मॉडर्न ट्रेड को अब एक्चुअली ई कॉमर्स से फाइट करना पड़ रहा है, तो मॉडर्न ट्रेड की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ई कॉमर्स की होगी। सो ई कॉमर्स तो काफी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और मॉडर्न और कुछ ऐसे अनुमान है कि 3-4 सालों में मॉडर्न ट्रेड जो मतलब जो आपकी ये बड़ी दुकानों वाला फॉर्मेट है, ये लगभग ई कॉमर्स लगभग इसके बराबर पहुंच जाएगा। जबकि मॉडर्न ट्रेड कितने टाइम से चलता आ रहा है इंडिया में, उसके इतनी अच्छी लीड थी इनकी 2010 में, बस क्योंकि ई कॉमर्स पे इतना ग्रोथ आया है, कस्टमर्स ने उसको काफी अडॉप्ट करा है, फिर सबके हाथ में मोबाइल है तो सबके हाथ में दुकान है, तो इसके कारण अगले 3-4 सालों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ई कॉमर्स विल ऑलमोस्ट बी एज बिग एज मॉडर्न ट्रेड। और घर से कौन बाहर कौन जाना चाहता है, वैसे भी रोड इतने खराब है, कौन सब्जी लेके आए। और एक और चीज है ना, हिंदुस्तान में तुम देखोगे प्रणय, जगह की तो किल्लत है ही शहर में, तो अगर आपको एकदम बाहर जाके सामान लेना है तो किराने वाले से ही लोगे, और अगर किसी चीज को दूर से लेना है तो तुम ई कॉमर्स से ले लोगे, तो बेचारा मॉडर्न ट्रेड बीच में फंस गया, क्योंकि उनको बड़ी दुकानें थोड़ी दूर बनानी पड़ती हैं, तो ना तो वो आपके घर के पास हैं और ना ही आपको वो वैसी कन्वीनियंस दे रहे हैं, तो ये। लेकिन अमित एक सौरभ, इसको कंपेयर करने के लिए मुझे लग रहा है ये T20 वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट जैसे हो गया, तो मॉडर्न ट्रेड थोड़ा वनडे इंटरनेशनल जैसा है, बीच में तो उसका कोई टेकर्स नहीं है उसके लिए, पर T20 और टेस्ट दोनों के लिए लोग हैं जो जिनमें रिचू है, जिनमें दोनों की। लेकिन एक और नया फॉर्मेट है अमित, जो कि एटलीस्ट बैंगलोर में तो काफी है, जो कि ये सिंगल ब्रांड एकदम, मतलब जिसको कहना चाहिए कि अल्ट्रा मॉडर्न, जो कि एकदम US स्टाइल स्टोर्स हैं, जैसे मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, डेकेथलॉन हो गया, जो कि ये अब आइकिया के स्टोर आ रहे हैं, जो कि एकदम मॉडर्न ट्रेड के बाप वाले स्टोर है, मतलब हजारों स्क्वायर फुट और मतलब जगह ही जगह राइट, और शहर के एकदम बाहर जाके आपको 100 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हुई हुई होंगी, 200 गाड़ियां, और आप जाकर के कम से कम 1000 रुपए नहीं खर्च करेंगे तब तक आपका दिल नहीं भरेगा, तो ये भी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये इसका क्या राज है? तो इसमें दो जो आपने मॉडल बेस करे, थोड़ा दोनों में अंतर है। तो जो मेट्रो कैश एंड कैरी है, वो कैश एंड कैरी फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट होता है, उसमें आप और मैं जाकर खरीदारी नहीं कर सकते, उसमें जो कि खाली दुकानदार है वो जाके खरीदारी कर सकते हैं, जिनके पास GST रजिस्ट्रेशन। वो इंडिया में एक रेगुलेशंस, क्योंकि रेगुलेशंस ऐसे बनाए गए हैं कि छोटे किराना की को दिक्कत ना हो, छोटे किराना को बचाया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने खाली होलसेल मॉडर्न ट्रेड में 100% FDI अलाउ करा था, तो उसके कारण जो ये कैश एंड कैरी मॉडल है, जैसे कि एक लॉट्स है थाईलैंड की कंपनी, फिर ये मेट्रो है, फिर कैरफूर का भी बीच में आया था, तो ये सब होलसेल मॉडल है। होलसेल का मतलब है ये आपको मुझे नहीं बेच सकते, ये बाकी दुकानदारों को बेच सकते हैं, तो ये भी मॉडल ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह से आप ये इमेजिन करिए, दिल्ली में जैसे सदर बाजार है, जो बड़े बड़े मार्केट्स होते थे जहां पर पास के छोटे शहरों से दुकानदार खरीदारी करने आते थे, अब वो सदर बाजार की जगह इन दुकानों में जाकर सामान खरीद सकते हैं। तो रेस्टोरेंट्स के लिए तो ये बड़े पॉपुलर है, रेस्टोरेंट्स जाके काफी अपनी होलसेल शॉपिंग यहीं पे करते हैं कि एक ही जगह सब कुछ मिल गया है, आपको ओपन मंडी में जाके नहीं खरीदना पड़ता वगैरह। हाँ बिल्कुल, जो पूरा आपका होटल्स रेस्टोरेंट्स, ये पूरा जो सर्विस वाला इंडस्ट्री है, इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और रिटेलर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी अच्छा प्राइसिंग वगैरह उन्हें मिल जाता है, और इवन ऑफिसेज की भी ऑफिस सप्लाईज वगैरह, हम अपने ऑफिस की ऑफिस सप्लाई फॉर एग्जांपल मेट्रो से खरीदते हैं, तो वो भी मैंने नोटिस किया। मतलब ये इंटरप्राइज के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, तो ये ऐसा इसको मान सकते हैं। दूसरा जो सिंगल अमित उस और एक इसमें जाने से पहले, पर ये जो मेट्रो दूसरे देशों में रेगुलेशन जहाँ ऐसा नहीं है वहां पर कोई भी खरीद सकता है क्या? बिल्कुल, वहां कोई भी खरीद सकता है, वहां पे तो मेट्रो एक तरह से आपका बिग बाजार हो गया, आप मेट्रो में जाके कुछ भी खरीद सकते हैं, और इनके भी काफी डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट होते हैं। एक छोटा फॉर्मेट होगा जो कि मान लीजिए रिलायंस फ्रेश के साइज का है, फिर आपके बड़े बड़े फॉर्मेट आगे जो आइकिया के साइज के होंगे, तो फॉर्मेट्स में वेरिएशन रहता है, पर कोई भी जाके उसमें खरीद सकता है। ओके, तो ये हमारा कैश एंड कैरी मॉडल था। जो दूसरा मॉडल आप बात कर रहे हैं आइकिया का, डेकाथलॉन का, ये एक सिंगल ब्रांड रिटेल का मॉडल है, इसमें भी गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ करा हुआ है, तो इसलिए इसमें भी कंपनीज ने इन्वेस्ट करा है, और इसमें इन्हें कोई इंडियन पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये मॉडल भी अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मतलब इसमें
एग्जाम्पल्स तो है ही, मतलब जैसे इंडिया में और भी, जैसे जो ये फैशन अपैरल की कंपनीज हो गई, मे बी जैसे ज़ारा, H&M वगैरह, ये सब भी सिंगल ब्रांड रिटेल में ही आता है. तो ये भी आपका मॉडल ग्रो कर रहा है, बस क्योंकि रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से थोड़ा फेवरेबल है. अगर आप इंडिया में पार्टनरशिप नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से ग्रो कर सकते. लेकिन सो अमित, ये आपने क्योंकि अब रेगुलेशन का नाम लिया ही है तो उस पर पूछ लेते हैं, तो ये क्यों अभी हमको दिख रहा है कि नंबर इतना जबरदस्त है, लगभग 80% से ज्यादा किराने के दुकानें ही हैं और इंडियन इकोनॉमी ग्रो ही कर रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ का शेयर ही नए लोग ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग शेयर लोगों का खा रहे हैं. इनफैक्ट आपने 1.4 करोड़ बोला, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की आबादी जब 100 करोड़ थी तो उस टाइम पे 1 करोड़ ही दुकानें थी, तो ऐसा नहीं है कि वो 100 पर कैपिटा, जो इवन पर कैपिटा नंबर मेंटेन किया है किराना की दुकानों ने, तो फिर इतनी आपत्ति क्यों है FDI इन रिटेल को लेकर के? ऐसी इतने सालों से सरकारें तैयार कर रही हैं कोशिश, लेकिन किसी से भी हो नहीं रहा, उसके बाद ये ऐसी छोटी छोटी इसमें लूप होल निकालती रहती है, सिंगल ब्रांड को अलाउ करेंगे, इसके लिए होलसेल के लिए करेंगे, क्यों नहीं सबके लिए ओपन कर देते? क्योंकि इसमें जो एक मतलब इसमें पॉलिटिकल रीजन मुझे लगता है ज्यादा है कि अगर गवर्नमेंट, एक किराना एक इम्पोर्टेंट बॉडी है कि मतलब किराना में तकरीबन इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इतने लोगों का एक तरह से पूरा रोजगार उससे जुड़ा हुआ है, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते और आप ऐसा कुछ नहीं वो कर सकते जिससे ऐसा लगे कि आप उनको कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो थोड़ा सा आई थिंक उसका कोई क्लियर रीजन तो ऐसा नहीं है, पर आई थिंक मोर किसको दिखना नहीं चाहता कि वो ऐसी पॉलिसी ला रहा है जिससे किराना को थोड़ा सा भी नुकसान हो, इसलिए ये ऐसा करते हैं. दूसरा, किराना में भी ये डर है कि अगर कंज्यूमर को ज्यादा वैरायटी मिलेगी, कंज्यूमर को ये नया मॉडर्न एक्सपीरियंस मिलेगा, तो क्या कंज्यूमर्स किराना छोड़कर उस तरफ जाएंगे? तो वो भी थोड़ा है कि उन्हें ये लगता है कि बाहर की कंपनियां आके इसमें 100% इन्वेस्टमेंट करेंगी, रेट कम होगा, कंज्यूमर उधर जाएगा, तो इनके बिजनेस पे सीधी सीधी मार पड़ेगी. तो इसलिए थोड़ा सा एक डर है कि क्योंकि सबको ये लगता है कि डिस्काउंट मिलेगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा कंज्यूमर का, इसलिए उसमें 100% मल्टी ब्रांड में FDI ना अलाउ करा जाए. लेकिन ये डर तो नाजायज ही है ना, अब हमको दिख रहा है क्योंकि ई कॉमर्स से ज्यादा डिस्काउंट तो दुनिया में कोई दे नहीं रहा है. अगर वो आएंगे भी तो आपस में लड़ेंगे मरेंगे, किराने वाले तो देख बैठ के तमाशा देखेंगे दोनों के बीच में. मुझे थोड़ा सा इसमें अंतर लगता है, ई-कॉमर्स में जैसे ही डिस्काउंट मिलता है देखिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूमर प्रेफरेंस उस तरफ जाता है. स्पेशली कुछ कैटेगरीज में तो ये बहुत ज्यादा हुआ है, जैसे कि आप मान लीजिए मोबाइल, मोबाइल का तकरीबन 30-35% आजकल आपका ई-कॉमर्स से जा रहा है, जबकि बाकी मॉडर्न ट्रेड हो सकता है 10-15% हो, पर मतलब क्योंकि डिस्काउंट्स मिलते हैं, रेंज मिलती है, 35% मोबाइल का बिजनेस उधर चला गया. और आपको आपने देखा हो कि पहले इतनी ज्यादा मोबाइल रिटेल चेन्स होती थी, सब बिल्कुल मतलब अब लगभग बंद ही हो गई है, मतलब बड़े बड़े स्टोर्स ही बचे हैं, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, बट जो पहले बहुत छोटी छोटी दुकानें होती थी, बैंगलोर में होती थी, चेन्नई में होती थी, दिल्ली में होती थी, वो सब लगभग बंद हो गए. तो ये डर थोड़ा सा जायज भी है, एंड इसलिए मतलब एकदम ये कहना कि सब कुछ ओपन कर देना चाहिए, वो काफी सोच समझ के उसका फैसला लेना पड़ेगा. नहीं, पर अब जैसा हमने देखा ई कॉमर्स में ऑलरेडी है ही ना, तो ऐसा फिजिकल मल्टी ब्रांड स्टोर आके क्या कर लेंगे जो ई कॉमर्स नहीं कर पा रहा है? नहीं, ई कॉमर्स में टेक्निकली नहीं है. ई कॉमर्स में अगर आप रेगुलेशन देखें तो 100% FDI इन अ मॉडल इस तरह से अलाउड नहीं है, जो कि मतलब इन्वेंट्री लेड मॉडल में अलाउड नहीं है. मतलब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. एक तो मॉडल हो गया मार्केट प्लेस मॉडल, जिसमें जो तो दो हैं, एक तो जो सामान बेच रहा है जिसको आप बोलेंगे सेलर, और एक हो गया जिसके प्लेटफॉर्म पे सामान बिक रहा है. तो 100% FDI मार्केट प्लेस मॉडल में शायद फिर भी अलाउड है, वो मैं चेक कर लूंगा, पर इन्वेंट्री लेड मॉडल में तो अलाउड नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए एक बाहर की कंपनी है, आप इंडिया में ही सामान खरीद कर
उसको अपनी वेबसाइट पे मल्टी ब्रांड्स नहीं बेच सकते, उस पे 100% FDI अलाउड नहीं है, उसमें आपको 51% तक का ही अलाउड है मल्टी ब्रांड पे। सिंगल ब्रांड आप कर सकते हैं, तो अगर आप आइकिया की वेबसाइट देखेंगे तो वो खुली है, आप उससे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, सिंगल ब्रांड में अलाउड है, बट मल्टी ब्रांड इन्वेंट्री लेड मॉडल अलाउड नहीं है। तो इसलिए आपने वो देखा होगा कि न्यूज आती रहती है कि Amazon, Flipkart सरकार चेक कर रही है कि ये गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसमें फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब, तो इसीलिए वो थोड़ा सा एक काफी एक कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बन गया है कि उनकी होल्डिंग कंपनी सिंगापुर में है, कुछ पार्टनरशिप्स है इंडिया में जो कि इन्वेंट्री रखेंगी, फिर वो इन्वेंट्री बेचेंगी, तो थोड़ा सा एक काफी एक जाल सा बन गया जो कि समझना थोड़ा सा कठिन है। नहीं नहीं समझना सब आसान है अगर चाहें तो, पर ठीक है हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे कि कैसे ये, हाँ ये सब कोई मेरे ख्याल से गड़बड़ नहीं है, पर क्योंकि जो रेगुलेशन है उन सबका तोड़ भी है, आपने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर लिया है, ऐसा थोड़ी है कि चीजें हो नहीं रही है। लेकिन अमित मेरे को फिर भी मुद्दा नहीं समझ में आया, अब ये बड़ा स्टोर हिंदुस्तानी पैसे से बने या बाहर के पैसे से बने, तो किराने वाले को कोई हिंदुस्तानी लोग आएंगे तो कम कंपटीशन देंगे, बाहर वाले आएंगे तो ज्यादा कंपटीशन देंगे, ऐसा है क्या? सॉरी, ये बिल्कुल लॉजिकल बात आपने कही है कि इसमें उसके ओनरशिप इंडियन हो या फॉरेन उससे क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट समाओ जो रेगुलेशन है उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम बाहर के हम बाहर की कंपनियों से अपने देश को बचा रहे हैं, तो इसलिए ये रेगुलेशन्स बने हैं। इसका फायदा तो मुझे लग रहा है कि जैसे रिलायंस या बाकी या टाटा जैसी कंपनियों को ज्यादा मिल रहा है, किराने वालों का नाम लेकर के आप बड़े इंडियन रिटेलर्स को बचाने में लगे हैं कि भैया आप ले लो शेयर और आप खा लो लोकल छोटे लोगों को, हम बड़े वाले लोग हम अपने शेरों को खाने देंगे, अपने चूहों को, बाहर के शेरों को नहीं आने देंगे अंदर, ऐसी वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल कोई और ये तो सही बात है। और मुझे ये भी लगता है कि मतलब मूल तौर पर हम लोगों को वो दुकानदार जो इंसान है उसको उसके बारे में सोचना है, दुकान या वो क्या कर रहा है जो ऑक्यूपेशन है उसकी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे तो हम लोग वही बोलेंगे कि पहले लोग टांगा चलाते थे, टांगे वाले लोगों को, टांगा जो प्रोफेशन है उसको बचाना है, तो हम लोग क्यों कार लेकर आए, कार लेकर आने से लोगों टांगे वालों को काम नहीं मिलता था। तो हम लोगों को ये सोचना है कि जो लोगों का शायद जॉब जा रहा है उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं, तो अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है और लोगों के पास और अवसर मिल रहे हैं तो शायद ये सब मार्केट सॉर्ट आउट कर लेगा। पर अगर हम लोग ये सोच के पड़ेंगे कि हमें छोटी दुकानें 85% थी उतनी ही रहनी है, तो उसकी वजह से तो हम लोग ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे इस सेक्टर का। नहीं, और वो मेरे को जितना दिख रहा है जैसे नंबर्स अमित ने बताया वो नंबर कम भी तो नहीं हो रहे ना प्रणय, इंडिया की इकोनॉमी भी तो ग्रो कर रही है, तो एक वो चीज है। और दूसरी एक और चीज है, तुम देखोगे कि जो बड़े स्टोर है वो कोई कम लोगों को थोड़ी हायर करते हैं, तो इससे एक नए तरीके के लोगों को भी तो मौका मिलता है ना जॉब में आने को, अदरवाइज वो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं जो पुराने किराने वाले हैं, सिर्फ उस फैमिली के अंदर में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से प्रोफेशनल्स नहीं आते हैं, इन सब में तो बहुत अलग अलग तरीके के जॉब जनरेट होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स भी जनरेट होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब भी जनरेट होते हैं, और टैक्सेस खूब जनरेट होते हैं क्योंकि सारा काम धीरे धीरे जो है जिसको कहना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड और डिजिटल बिल वाली इकोनॉमी में घुस जाता है जल्द से जल्द। तो अमित ये भी क्या हम देखते हैं क्या कि जो रेगुलर रेगुलर किराने वाली दुकान ऑब्वियसली छोटी भी है तो वो तो जीएसटी की उससे बाहर है ना? हाँ, वो तो जीएसटी का जो रहता है एक स्लैब रहता है कि आप अगर आपका टर्नओवर इतने एक लिमिट तक नहीं है तो आप उससे बाहर रहते हैं, तो काफी तो उसी में आ जाएंगे। बिल्कुल, काफी तो उससे बाहर आ जाएंगे। हाँ, वो इसीलिए करा गया था जिससे कि ये जो इतने इतने छोटे छोटे शॉप्स हैं इनको ये पूरे कंप्लायंस के उसमें ना आना पड़े, इसी हिसाब से वो बनाया गया, डिजाइन ही किया गया था। हाँ, तो हाँ, और ये छोटे दुकानों का हम क्योंकि और टेक्नोलॉजी वगैरह डिस्कस कर रहे हैं आजकल, ये बड़ा जबरदस्त टर्म सुनाई देता है ना, दुकान टेक, किराना टेक, ये इसके बारे में बताइए। मतलब एकदम बहुत बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स आ गई हैं सडनली जो कि सिर्फ ये किराने वाली और छोटी दुकानों को ऑनलाइन लाने में लगी हुई हैं। बिल्कुल, तो ये क्या ट्रेंड है?
तो ये आपने अच्छी चीज रेज करी कि ये एक्चुअली ये काफी नया ट्रेंड, नया मैं कहूंगा पिछले एक दो साल से ये काफी आया है कि काफी ऐसी स्टार्टअप्स, ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो कि किराना को मॉडर्नाइज करना चाह रही, और वो मॉडर्नाइजेशन काफी काफी तरीकों से हो रहा है। तो उसमें जैसे एक होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई दुकान है, आप अपना कैटलॉग बना सकते हैं, आप अपनी छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं काफी काफी जल्दी। उसके लिए एप्स हैं, वेबसाइट है, जो कि एक तरह से आपके पूरे कैटलॉग, पूरे जो आपकी दुकान में सामान है उसको कैटलॉग बना देगी। आप उसका लिंक फिर कस्टमर को भेज सकते हैं और कस्टमर उस पर चूज करके आपको फोन पे ऑर्डर दे सकता है, व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे सकता है। तो एक तरह से कैटलॉगिंग सर्विस हो जाती है। दूसरा फिर ये होता है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि आप किराना में उधार बहुत चलता है, तो उसमें ये रहता है कि किराना जो भी अपना एक तरह से लेजर मेंटेन कर रहा है, वो लेजर आप उस ऐप में मेंटेन करिए, और अगर आपको किसी को रिमाइंडर भेजना है कि भाई मेरा उधार दे दे, तो आप उसको फोन ना करें, आप उसको SMS, व्हाट्सएप वो ऐप के थ्रू ही करते हैं, तो आप उसमें ऑटोमेटेड रिमाइंडर वगैरह वो सब सेट कर सकते हैं। तो ये भी काफी UPI वगैरह है, तो ऑनलाइन ही पेमेंट भी होके काम खत्म हो जाए फटाफट। हाँ, हो सकता है। तो ये एक तरह से पूरा एक तरह से उसका थोड़ा सा उसके ऑपरेशंस को डिजिटाइज कर रहे हैं। फिर एक उस टाइप का आता है कि अब मान लीजिए आप किराना है, कुछ किराना थोड़ा सा एडवांस हो गए, उन्होंने एक वो POS मशीन जिसपे कार्ड वगैरह लगता है वो रख लिया है। तो उसमें क्या होता है कि वो POS मशीन के साथ उसमें एक सॉफ्टवेयर सेट हो जाएगा जो कार्ड का डेटा गैदर करेगा, और आपको आप उस डेटा को यूज करके कुछ ऑफर्स वगैरह बना सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी का उसमें मतलब आप कस्टमर की स्पेसिफिक ऑफर्स बता सकते हैं, फिर कंपनीज के साथ आप वो डेटा शेयर करके बता सकते हैं कि मेरा ये सामान सेल आउट हो रहा है, तो उससे काफी आपको थोड़ा सा अलग से अर्निंग हो जाती है। फिर एक मॉडल ये रह गया, पहला जो मॉडल था जो हमने बात करी थी वो था कैटलॉगिंग। एक मॉडल ऐसा हो गया कि आप पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही उस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब एक तरह से आप एक सेलर बन के उस पे लिस्ट हो गए, तो सिलेक्शन से लेके चेकआउट से पेमेंट पूरा का पूरा प्रोसेस उस प्लेटफॉर्म पे हो जाए। ये भी काफी हो रहा है, जैसे कि JioMart वगैरह में एक्चुअली ये होता है कि वो कई बार आप उसमें अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर वगैरह आपका पूरा एक ही रिटेलर एग्जीक्यूट कर देगा, एंड एंड टू एंड आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो एक तरह से जो छोटा दुकानदार है वो ई कॉमर्स की दुनिया में ही घुस गया। छोटा दुकानदार ई कॉमर्स की दुनिया में घुस गया, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स सिर्फ कंपटीशन है, ई कॉमर्स इनका एनेबलर भी है। एक मतलब अदरवाइज एक छोटा दुकानदार जो है वो अपने एरिया में ही सीमित है, वो अपने एरिया से बाहर जा सकता है पहली बात तो, कि भाई थोड़ा सा दूर है, लेकिन खैर उनकी डिलीवरी शायद उतनी अच्छी नहीं है अभी तो, पर अपने एरिया में हो, लेकिन एटलीस्ट अगर आपकी बिल्डिंग के आसपास कोई है तो आप अमेजोन से ऑर्डर करने की जगह हो सकता है अपने लोकल दुकानदार से ऑर्डर करना पसंद करें। बिल्कुल, अगर आपको पता है वहां पे रेट, आपको प्राइसिंग कंफर्ट है, आपको अभी सामान चाहिए, तो आप बिना जाए आप कैटलॉग देखकर ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपके घर पहुंच जाएगा। तो काफी काफी इसमें ये हो रहा है। और भी कुछ चीजें आ रही हैं, जैसे कि मान लीजिए आप थोड़ी सी बड़ी दुकान है, आप अपने दुकान के स्टोर की सैलरी अटेंडेंस वगैरह मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एप्स आ गई हैं। या आपको एक पूरा बड़ा कोई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं चाहिए लोगों को मैनेज करने के लिए, आप एक ऐप के थ्रू अटेंडेंस, सैलरी, लीव वगैरह मैनेज कर सकते हैं, जो कि वरना तो आपको बही खाते मेंटेन करने पड़ते थे या फिर बड़ा आपके लिए मुश्किल होता था, पर आप वो सब भी मैनेज कर सकते हैं ऐप्स के थ्रू। तो ये सब काफी नए डेवलपमेंट आए हैं कोरोना के कारण, इन सबको एक नई स्पीड मिली है जो कि कोरोना से पहले नहीं थी। मतलब काफी काफी मायनों में तो जो चीजें इंडिया में शायद 3-4 साल में होती वो लगभग एक 1.5 साल के अंदर ही हो गई है, कोरोना में हो गई। ये प्रणय, हाँ। तुम हमेशा एग्जांपल देते ही हो कि हर विपत्ति में भी कुछ अच्छा आ ही जाता है। तो जैसे लोग बोलते रहते थे डिमोनेटाइजेशन में बहुत कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए था। हाँ। उसी तरह से अब कोरोना की वजह से काफी डिजिटल और बढ़ गया है, तो ये मतलब थोड़ी कोरोना आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा हर बादल के पीछे थोड़ी किरण निकलती है, तो ये एक सुनहरी किरण है बादल के पीछे की। बिल्कुल। वैसे अमित, ये समझाइए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड आपने इनका प्रयोग किया, ये क्या कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको?
अनऑर्गेनाइज्ड में ऑर्गेनाइज्ड में प्रणय मेरे एक ई कॉमर्स आपका एक ऑर्गेनाइज्ड में आता है इफेक्टिवली, फिर जो आपकी बड़ी दुकानें हैं एक तरह से जिसमें आप वॉक इन करके जा सकते हैं वो आपका एक ये मॉडर्न ट्रेड में आएगा। तो मॉडर्न ट्रेड प्लस ई कॉमर्स को लगभग एक ऑर्गेनाइज्ड की डेफिनेशन मानी जाती है। मॉडर्न ट्रेड में आपका कैश एंड कैरी, सिंगल ब्रांड, वो सब भी आएगा। तो वो एक तरह से आपका हाँ। अमित मैं एक ट्राई करता हूँ, ये भी काम करता है क्या? बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड वो लोग हैं जो टैक्स देते हैं। लेकिन फिर भी उनको अनऑर्गेनाइज्ड ही मानते हैं। हाँ, उनको अनऑर्गेनाइज्ड ही मानते हैं वो। उसको मतलब अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसको अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल बोला जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए जो पेंट की जैसे दुकानें हो गई, पेंट या हार्डवेयर की, इसके लिए कोई भी आपको मतलब सुपरमार्केट टाइप का स्टोर ना के बराबर ही होते हैं। हाँ, इंडिया में तो नहीं है। नहीं है। तो ये जबकि ये स्टोर्स इतना इतना ज्यादा बिजनेस करते हैं कि ये डेफिनेटली आपके जीएसटी के उसमें आएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा, तो जीएसटी शायद कहना ठीक नहीं होगा, पर हाँ मतलब जो ये आपके वॉक इन टाइप के स्टोर्स हैं, ई कॉमर्स, ये सब आपका ऑर्गेनाइज रिटेल हो गया, बाकी आपका अनऑर्गेनाइज माना जा सकता है। अच्छा, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही छोटा रहेगा और नहीं, नहीं। एक ही इंसान रहेगा, ये जरूरी नहीं है। नहीं, ये थोड़ा ये डेफिनेशन ऐसी बनी है कि अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब किराना फैमिली ओन्ड मॉम एंड पॉप टाइप की शॉप्स को अनऑर्गेनाइज्ड बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक खोपचा है, इसका मतलब ये नहीं है। एक तो इसका नाम ही बदलना चाहिए फिर तो, मतलब नहीं तो अनऑर्गेनाइज मतलब नाम से ही ऐसे लगता है कि कुछ छोटी सी चीज है या फिर कोई ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं है। तो शायद इसको अलग तरीके से देखेंगे तो लोगों को और अच्छा भी लगेगा कि ये वो क्या कर रहे हैं उसके। तो इसका एक नाम, इसका नाम रहता है, इसका नाम जनरल ट्रेड रहता है। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में उसको मतलब जो FMCG कंपनीज वगैरह होती है उसको जनरल ट्रेड GT बोलते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज ट्रेड की जगह जनरल ट्रेड इसका एक थोड़ा टेक्निकल टर्म आ जाता है कि इसको जनरल ट्रेड बोला जाता है। जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स, ओके, ये तीन कैटेगरी वर्सेस ई-कॉमर्स। हाँ, ये तीन कैटेगरी हो जाते हैं। तो ये एक और चीज मैंने अमित सुनी है कि आजकल जैसे मॉडर्न ट्रेड की वजह से स्पेशली सी कोई नया आदमी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो बहुत सारे ये छोटे छोटे दुकानों में जाकर के अपना स्टॉक डालना, ये डालना तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मॉडर्न ट्रेड जैसी जगहों में आप एक जगह बात कीजिए, उनकी चेन होगी पूरे हिंदुस्तान में, तो आपका प्रोडक्ट एकदम से पूरी देश में पहुंच जाएगा। और प्रणय, जैसे तुम बोल ही रहे थे ना कि डेवलप्ड मार्केट ऐसी हो जाती है, तो एक मुझे लगता है कि रिटेल एक तरीके की पाइप है आपकी कंट्री की, तो वो पाइप जितनी अच्छी होगी तो नए प्रोडक्ट उतनी जल्दी आपके कस्टमर्स तक पहुंचेंगे। और ये खूब सारे छोटे छोटे दुकानें होने की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ इनोवेशन जो है ना कंट्री का, वो बहुत बढ़ जाता है। कुछ भी अगर कल को तुमको कुछ सूझे कि मैं एक नई मच्छरदानी बनाऊं, अब पूरी हिंदुस्तान में कैसे बेचोगे तुम? लेकिन नई नई मच्छरदानी तुम जापान में बनाओगे तो 15 दिन में पूरे कंट्री में पहुंच जाएगी। उनको मच्छर नहीं है, पर मान लो अगर जरूरत पड़ जाए उनको तो ठीक है। तो ये एक तो हिंदुस्तान में मॉडर्न ट्रेड की वजह से आजकल एटलीस्ट शुरू तो कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि कुछ तो मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी इसीलिए हिंदुस्तान में जो पुरानी कंपनीज हैं, HLL हो गई या जो भी लीवर्स हो गई, PNG हो गई, मतलब उन्होंने ऐसे एकदम जैसे कब्जा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, हिला नहीं सकते उनको। तो ये आपको क्या लगता है, ये एक तरीके का हम इनोवेशन टैक्स भर रहे हैं क्या अमित इंडिया में? तो सौरभ, मैं इनोवेशन टैक्स तो नहीं मानूंगा, पर एटलीस्ट एक ये बात बिल्कुल पक्का है कि अगर आपको देश में सेल बढ़ानी है, अच्छा आपको मार्केट में जीतना है, तो आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे यूनिलीवर जो हमने शुरुआत में बात करी, लगभग देश में 1.4 करोड़ दुकानें हैं, तकरीबन 80 लाख तक यूनिलीवर पहुंचता है। तो क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है, उनके प्रोडक्ट लगभग सब जगह ही अवेलेबल है, और अगर आप एक नए कंपनी है, आपको उससे टक्कर लेने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, जैसे कि एक आपका ई कॉमर्स के कारण
आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो वो इंडिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है ई कॉमर्स का। ये फायदा हो गया ई कॉमर्स का, एक फायदा डायरेक्ट टू कस्टमर, डी टू सी ब्रांड जिसको बोलते हैं, उसके कारण ई कॉमर्स के कारण आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। दूसरा एक और टाइप का ई कॉमर्स आ रहा है जिसको हम बोलते हैं बी टू बी ई कॉमर्स। मतलब बेसिकली वो ये रहता है कि आपने सुना होगा उड़ान, उड़ान जो कि इंडिया की एक यूनिकॉर्न है, जो कि सबसे तेजी से इसने वो यूनिकॉर्न स्टेटस इंडिया में अचीव करा। हाँ, मतलब वो, हाँ, मतलब वो 7,500 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। हाँ बिल्कुल, वो आपको और मुझे, आप और मैं जाके उड़ान की वेबसाइट से नहीं खरीद सकते, ऐप से नहीं खरीद सकते, वो एक तरह से एक होलसेलर है जिसपे जाके रिटेलर्स खरीदते हैं। तो मान लीजिए आप एक नया कंपनी है, आपने उड़ान के साथ टाई अप कर लिया, अब उड़ान का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पैन इंडिया, जो कि उसके थ्रू आप जाके वहां पर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, पर रिटेलर ओनली। तो ये भी एक तरीका है जो एक लास्ट एक दो सालों में ग्रो हुआ है, कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपको ग्रो करना है तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट पाइप टू गेट टू द सेम आउटकम। तो सौरभ, आपको मच्छरदानी उड़ान के पास ले जानी है बस अब। हाँ नहीं, लेकिन प्रणय अभी भी, लेकिन अब जो हमने डिस्कस किया, पर 80% लोग तो फिर भी जो हैं वो छोटे दुकानदार हैं, और अब देखना है कि उस छोटे दुकानदार जो 80% है उसमें से कितने उड़ान के पास होंगे। लेकिन अब यूनिलीवर ने जो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रखा है एक तरह से, लेकिन ये बोल सकते हो ना कि क्या जरूरत है बनाने की फाइनली। ये जो लॉजिस्ट, ये इस तरह से हो गया जैसे काफी हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां अपनी बसें चलाती हैं एम्प्लॉयज को लाने के लिए। अब फिर आपको उतने एम्प्लॉयज लाने तो आपको उतनी बड़ी बस नेटवर्क खुद की बनानी पड़ेगी, वरना आप उतने एम्प्लॉयज, लेकिन अगर आपकी बस सर्विस शहर की हो तो कोई भी आदमी नया ऑफिस दूर खोल सकता है ना सिटी के। तो ये एक हिंदुस्तान में एक ट्रेंड अलग अलग सेक्टर में दिखेगा कि आपको खुद पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इससे आपकी, आपको एक कंपनी बनाने के लिए पहले तो ज्यादा पैसे लगते हैं कंपेयर टू अ रिच कंट्री। अमीर कंट्री में कम पैसे में उतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, गरीब कंट्री में आपको सेम कंपनी का साइज बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि एफिशिएंसी कम है कंट्री की। तो मुझे लगता है कई बार हमारी, हम जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं कंट्री की उनको इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ 1 करोड़ दुकानदार हैं और देखो उनको कुछ हो सकता है, उसकी जगह अगर हम ऐसे करें कि हमारे यहाँ 1 करोड़ सामान बनाने वाले लोग हैं, उनको अपना सामान लोगों तक, अपने कस्टमर्स को पहुंचाने में कितनी दिक्कत है, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? और 1 करोड़ नहीं होंगे, सामान बनाने वाले 10 करोड़ लोग हैं शायद। कितने ही छोटे छोटे लोग हर जगह पे चीजें बना भी तो रहे हैं ना, वो कैसे अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचे? तो एक मेरे को लगता है कि हम प्रॉब्लम को किस तरह से फ्रेम करें, हमारी सोच और हमारे सोल्यूशन बदल जाएंगे उनकी वजह से। आपको क्या लगता है अमित? मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ कि ये आपने बात ठीक करी कि इंडिया में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना पड़ेगा, पर इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी मेहनत खुद करनी है। अच्छा। जो फाइनल लेवल की ये जो 80 लाख 1.4 करोड़ दुकानें हैं, ये तो जो सामान उन तक पहुंचेगा वो बेच देंगे। आपको बीच में एक लेयर चाहिए जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, जो कि आपसे आपका माल खरीद कर इन तक पहुंचाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको खुद अपने आप, अगर आप मान लीजिए यूनिलीवर के एम्प्लॉई हैं, आपको खुद फैक्ट्री से लेके सामान वो 1.4 करोड़ दुकानों तक नहीं पहुंचाना, आप डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान सप्लाई करेंगे। लेकिन सब डिस्ट्रीब्यूटर काफी इनके अपने है ना, ये शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जो कि उड़ान आप कह रहे हैं डिसरप्ट कर रहा है जैसे। हाँ, उड़ान जैसे डिसरप्ट कर रहा है, उसमें जितनी बड़ी कंपनी होती है वो अपना, उसका अपना वो राज रहता है, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि उनका भी रहता है कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, आप मेरे साथ ही काम करो। आप जो मेरा एक तरह से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इसको आप कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, वो किसी और को वो देना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सक्लूसिव रहेंगे, पीएनजी के डिस्ट्रीब्यूटर एक्सक्लूसिव रहेंगे, आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूटर एक्सक्लूसिव रहेंगे। पर आप अगर छोटी कंपनी हो गए, मान लीजिए आप एक छोटी कंपनी हो गए, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से ये नहीं डिमांड कर सकते कि भाई तुम मेरे लिए काम करो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका भी काम करेगा, आपके पड़ोसी का भी काम करेगा, कई लोगों का काम करेगा, क्योंकि उसको उसी में पैसा बनेगा, अदरवाइज उसका पैसा भी नहीं बनेगा। तो इससे एटलीस्ट जो कंपनीज बड़ी बनी हुई है उनको ये बड़ा बने रहने में फायदा करता है। पर जैसे कि अब ई कॉमर्स आ रहा है, ये उड़ान वगैरह नए मॉडल्स आ रहे हैं,
तो नई कंपनीज के एटलीस्ट लास्ट मतलब पिछले कुछ सालों से तो फिर भी थोड़ी सी राह आसान हुई है जितना जितना की पहले थी। ठीक, तो बेसिकली हम एक ऐसा फ्यूचर भी देख सकते हैं जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज जैसा नहीं हो, मॉडर्न ट्रेड जैसा, लेकिन हो सकता है हम उनके पीछे की लेयर पूरी मॉडर्नाइज कर दें और सामने का फैसाड वैसा ही रह जाए जैसा पहले था, और फिर भी हमारी कंट्री में एफिशिएंसी आ जाए। तो ये आपने इंटरेस्टिंग, और ये शायद सिर्फ मॉडर्न ई कॉमर्स की वजह से हमारे यहाँ शायद पॉसिबल है, जो कि अमेरिका में शायद नहीं था। तो हमको ऐसा जरूरी नहीं है कि अमेरिका जैसा बड़े स्टोर फॉर्मेट में ही जाना है, हमारा फ्यूचर अलग हो सकता है। हमारा फ्यूचर बिल्कुल अलग हो सकता है, बिल्कुल जो हमारे लिए मार्केट है, जैसे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, इतने लोगों को अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट भी कैसे मिलेगी। मतलब एक तरह से आप मानिए कि अगर 1.4 करोड़ दुकानें अगर अगर उसमें से आधी भी हट गई तो वो उतनी उतनी एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट, हाँ बड़ा बहुत बड़ा नंबर है। इतना एम्प्लॉयमेंट ढूंढना हमारे लिए आसान नहीं है। तो वो इसी में डिजिटाइजेशन होगा, इसी में डिसरप्शन होगा, क्योंकि क्योंकि खाली ये नहीं है कि किराना किराना और भी चीजों में कंज्यूमर्स का फायदा करते हैं। जैसे कि अगर मॉडर्न स्टोर पे आप चले जाइए, आपको कोई उधार नहीं देगा, यहाँ पर आपको उधार मिल जाता है। फिर काफी बार ऐसा रहता है कि आपने ये फोन पे ऐप वगैरह तो अभी आ रहे हैं, पर पहले भी होता था कि मेरी मम्मी फोन कर देती थी, अरे भाई ये 10 आइटम दे जा, तो दुकान पे एक छोटू होता है वो घर पे आपके सामान दे जाएगा फ्री डिलीवरी। तो वो सब जो फैसिलिटीज थी, वो जो पर्सनलाइजेशन है, वो ये किरानास डिलीवर कर देते हैं। फिर कई बार इंडिया में बिकॉज मतलब इतने इतने हर आप मल्लेश्वरम से मल्लेश्वरम से थोड़ा आगे जाएंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो हर जगह के थोड़े अलग अलग नुआंसेस रहते हैं। तो उसको जो ये FMCG लैंग्वेज में बोलते हैं, हर जगह थोड़ा सा असॉर्टमेंट में चेंज आता है। तो वो जो स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन होती है वो किराना से बेहतर कोई नहीं समझता। तो वो जो मार्केट की लोकल समझ है कि वहां क्या चलेगा, किस सीजन में क्या रखना है, वो काफी बार इन स्टोर्स पे मिल जाएगा, मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स उसको मिस कर देंगे। तो आई थिंक जो ग्रोथ और इनोवेशन है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हो सकता है फ्रंट यही रहे, बैक एंड पूरा डिजिटाइज हो जाए। हाँ, और शायद हमको फिर उसी बड़ी मार्केट टाइप की मॉडर्नाइजेशन और एफिशिएंसी मिल जाए, पर कुछ अलग तरह से। तो शायद ये हमारा लेट डेवलपमेंट का एक लेट डेवलपमेंट की वजह से पॉसिबल हो रही है ये चीज, पर ये भी ठीक है, इसका एक हमारे इंडिया के रिटेल का एक अलग कैरेक्टर निकल के आ सकता है दुनिया में। प्रणय, ये तो काफी मजेदार चीज अमित ने जाहिर करी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि वो हमारा पॉलिसी गोल नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने आप हो जाए तो ठीक है। हाँ, और जैसे अमित ने कहा कि वो तो मैं भी मानता हूँ कि काफी पर्सनलाइजेशन होगा, तो वो तो कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया उनका ना। तो अगर ऐसी कुछ स्टोर्स हैं जो कुछ अलग दे रहे हैं कस्टमर्स को, जो मॉडर्न ट्रेड नहीं दे रहे, तो वो तो वैसे भी सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो मॉडर्न ट्रेड नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर ऐसे शॉप्स हो जो सेम चीजें दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें, तो उनको प्रोटेक्ट करना कोई पॉलिसी गोल होने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे को तो लगता है कि अगर शायद ओपन कर भी दे हम FDI तो यही होने वाला है। मतलब जैसा अमित ने बोला ना कि मतलब किराने वाले टिके हुए हैं ना इतनी देर से, उनका कोई स्ट्रेंथ है इसीलिए टिके हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सरकार की वजह से टिके हुए हैं। मेरे को तो पूरा लगता है कि किराने वालों की वजह से नहीं, ये जो हमारे लोकल इंडिया के मॉडर्न ट्रेड वाले लोग हैं वो अपना कॉम्पिटिशन दबा रहे हैं, किराने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, 2-3 और सवाल थे सौरभ मेरे। एक तो अमित, ये सैशेटाइजेशन जो है, ये काफी मतलब बिजनेस स्कूल में सिखाया जाता है ना कि भारतीय रिटेल का योगदान है ये विश्व के लिए, सैशेटाइजेशन क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो प्रणय, ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो इंडिया से ही जिसका ओरिजिनेशन हुआ है, और ये लगभग 1970s-80s में हुआ था। तो इसका फाउंड इसकी शुरुआत तो आप एक कंपनी जानते होंगे चिक शैम्पू जो बनाती है, केविन चिक शैम्पू कंपनी, उसके फाउंडर थे मिस्टर सी रंगनाथन। उनके फादर चिन्नी कृष्णन ने ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी थी। तो उन्होंने एक दिन ये क्या कॉन्सेप्ट था कि तब उस टाइम पे बड़े बड़े डब्बों में ही प्रोडक्ट्स मिलते थे, पर वो चाहते थे कि मेरे कंज्यूमर जो कि गरीब हैं,
उनको मैं किस तरीके से अफोर्डेबल प्रोडक्ट पहुंचाऊं। तो उन्होंने शुरुआत करी थी एक पानी का ट्रांसपेरेंट पाइप लेकर, उसके साथ उन्होंने शैम्पू बनाने सैशे बनाने की एक्सपेरिमेंट चालू करे थे। वो तो अनफॉर्चुनेटली इसमें सक्सीड नहीं हो पाए थे, पर उनके बड़े बेटे मिस्टर सी राजकुमार वो फाइनली इसमें सक्सीड हुए थे, और उन्होंने फिर वेलवेटी शैम्पू के सैशेज लॉन्च करके इसको पूरा पूरा इंडिया में ग्रो करा था। फिर उन्होंने तो वेलवेटी शैम्पू ब्रांड लॉन्च करी, पर उनके मिस्टर चिन्नी कृष्ण के छोटे बेटे सी रंगनाथन उन्होंने एक्चुअली भाई से अलग कंपनी खोलकर कंपनी खोली, जिसमें उन्होंने ये चिक शैम्पू का कॉन्सेप्ट लॉन्च करा, एक रुपए के शैम्पू के पाउच, और ये काफी काफी ज्यादा ज्यादा फेमस हुए। और इसी के कारण मतलब अब तो सैशे आपके लगभग हर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, फेस क्रीम, हेयर डाई, कंडीशनर, मतलब टूथपेस्ट, बिल्कुल मतलब दोनों इवन गोंद फेविक्विक वगैरह देखो ना, छोटी सी आती है 5 रुपए की, बिल्कुल मतलब छोटे छोटे मैगी के पैक, नमकीन के पैक, मतलब बिल्कुल सैशे का कॉन्सेप्ट, मतलब टिकट साइज 1-2 रुपए, जो कि मे बी इवन 5 रुपए तक कुछ केसेस में एक्सटेंड करके, जिससे कि जो कंज्यूमर एक बार में ज्यादा अमाउंट नहीं खरीद सकता, वो जिसकी इनकम डेली लेवल पे है, मतलब जैसे आपको तो सैलरी मिलती है, आपको एक मंथ के एंड पे एक सम आएगा, पर जो लोग डेली डेली वेज अर्नर्स हैं, वो जो कि एक दिन में एकदम इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते, वो अपना रोज की कंजम्पशन का सामान खरीदेंगे, उनके लिए काफी काफी ज्यादा हिट रहा है। और अभी भी मतलब वैल्यू बेसिस पे तो नहीं, बट वॉल्यूम बेसिस पे तो काफी कैटेगरीज में 30-35% वॉल्यूम अभी भी ये सैशे से ही जाता है। और ये भारत का योगदान है। हाँ, और ये सिर्फ कंजम्पशन नहीं, अब जैसे छोटा कोक पूरी दुनिया में कोई छोटा कोक लेवल में थोड़ी बिकता है, ये इंडिया में आके उनको समझ में आया कि भाई ये छोटा कोक कर सकते हैं। बिल्कुल, छोटा कोक मतलब काफी ये काफी एक तरह से इनोवेशन रहा है इस मामले में, और ये मॉडर्न इनोवेशन एक तरह से 90s में ही शुरू हुआ था, तो एक बहुत पुराना इनोवेशन भी नहीं है ये, एक एक तरीके का मॉडर्न इनोवेशन है इंडिया का। ये तो मुझे इसका एकदम तो आइडिया नहीं है, बट ये इंडिया स्पेसिफिक इनोवेशन ज्यादा है, बट अफ्रीका वगैरह में भी ये चलता है, बट आई थिंक जितना स्केल यहाँ पर है उतना कहीं नहीं होगा। ठीक है, और ये ग्रामीण एरिया में जो रिटेल है अमित, उनमें भी कुछ अलग चीजें हो रही हैं क्या, या फिर जैसे सैशेटाइजेशन आप बोल रहे हैं, शायद वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होगा, या फिर HUL या इन तरीके के जो ब्रांड्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, उनके प्रोडक्ट्स ही ज्यादा होते होंगे, तो अभी कुछ पिछले कुछ 10 सालों में इनमें भी कुछ बदलाव आ रहा है क्या? तो इसमें रूरल में तो एक्चुअली सामान पहुंचाना इंडियन कंपनीज के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो किसी भी कंपनी के लिए दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे में तो सामान पहुंचाना काफी आसान है, असली लड़ाई तो वैसे ही है कि आप रूरल एरिया तक कैसे सामान पहुंचाएंगे, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि डिस्टेंसेस बड़े हो जाते हैं, फिर आपका लोकल लेवल पे डिमांड कम होती है, तो बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे सामान पहुंचाना वो काफी काफी महंगा पड़ता है, और आपका एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर वो रोल प्ले नहीं कर पाता, तो इसलिए कंपनीज एक होलसेलर मॉडल को यूज करती हैं। इफेक्टिवली उसमें होता क्या है कि यूनिलीवर एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देगी, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को बेचेगा, वो होलसेलर शायद खाली यूनिलीवर का सामान नहीं, वो साथ में डाबर का, ITC का, औरों का भी सामान लेकर फिर रिटेलर के पास जाएगा, जिससे कि पर रिटेलर लेवल पे उसका टिकट साइज बढ़ जाए और वो इन सब आउटलेट्स को प्रॉफिटेबली सर्व कर पाए। अदरवाइज अगर वो एक ही कंपनी का करेगा तो क्योंकि बिजनेस उतना नहीं आएगा तो वो उसको काफी उसमें नुकसान होगा, इसलिए कंपनीज इस टाइप का मॉडल यूज करती हैं। फिर आजकल वो भी आता है कि जैसे ITC ने काफी एक्सपेरिमेंट ई चौपाल लॉन्च करा था, जहाँ पे आपको मतलब प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, आप कृषि उत्पाद भी खरीद सकते हैं, आप ITC के भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, तो वो भी एक तरह से इनोवेशन वहां पे रहा है, जो कि काफी पुराना है, पर वो एक ऐसी चीज है जो कि चलता ही आ रहा है। अच्छा,
ठीक है, तो अंत में मैं यही सरकार और उसका क्या रोल है उसके बारे में चर्चा करना चाहता था। तो जैसे सौरभ आपने देखा ही होगा कर्नाटका में कोरोना के बाद उन्होंने बोला कि अब ये शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स 2400 घंटे शुरू रह सकती हैं, तो उसके पहले नहीं रह सकती थी, और उसमें तो ऐसे भी रूल्स है कि 8 बजे के बाद औरतें नहीं काम कर सकती और ऐसे सब रूल्स है। तो कई हद तक मुझे लगता है कि ये सरकार की पॉलिसी की वजह से बिजनेसेस खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, और शायद शॉप्स वगैरह में भी ऐसा था पहले, जैसे जमाखोरी के खिलाफ भी बहुत सारे रूल्स रहते थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी में वो भी मतलब बड़ा प्रॉब्लम ऐसे माना जाता था, तो शॉप्स स्टॉक नहीं कर पाते थे ज्यादा, इन्वेंट्री रखने में मुश्किल होती थी, और अब 24/7 तो खैर अभी खुल रहा है, वो भी सिर्फ 3 साल के लिए है वैसे, वापस फिर बंद अच्छा। कर देंगे, और उसमें भी बोला है कि आप 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, मतलब आप एम्प्लॉय को काम नहीं लगा सकते 10 घंटे से ज्यादा। वो तो ठीक बात है ना। हाँ तो वो ठीक है, पर आप दो एम्प्लॉय रखिए ना अगर पूरी रात खोलना है तो। हाँ तो वो तो लोग कर ही लेंगे, मुझे नहीं लगता हाँ, कि सरकार को इसमें दखलंदाजी देनी चाहिए। नहीं, लेकिन वो तो ऑलरेडी लेबर लॉ बोलता ही है ना कि आपको एनीवे 40-45 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते हफ्ते। हाँ, तो 48 घंटे है, 48 घंटे। तो मैं आप दोनों से यही पूछना चाहता था कि यही सरकार का रोल क्या है इसमें, सरकार किस तरीके से हट सकती है मैं तो वो जानना चाहता हूँ। ये अमित अमित का डिपार्टमेंट है, अमित तो रेगुलेशन ही स्टडी कर रहा होगा। तो सरकार का सो ये तो काफी घूमा हुआ सवाल है, तो इसमें सरकार को हटना चाहिए तो आई थिंक हटना तो चाहिए, पर क्या वो हटेगी वो तो कोई भी नहीं कह सकता। पर एटलीस्ट कोशिश तो यही जा रही है कि जैसे कि सरकार का वो भी है कि हमें ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाना है, तो ये सब रेगुलेशंस को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करा जाए। फिर न्यूज़ आती रहती है कि ई कॉमर्स को लेकर काफी काफी कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, तो उस पर और क्लैरिटी लाई जाए। बिकॉज मतलब ई कॉमर्स जैसा बिजनेस एक काफी बड़ा ड्राइवर हो सकता है इंडिया में जॉब्स के लिए। आप इंडिया में अगर हम माने अभी ई कॉमर्स लगभग आपका 3-5 लाख करोड़ के करीब का मार्केट होगा, चाइना में यही लगभग इसका 30 गुना है, मतलब 30-30 times 30 गुना, मतलब चाइना का जीडीपी इंडिया से तकरीबन 5 गुना है, बट ई कॉमर्स तकरीबन 30 गुना है। तो वो अगर इस टाइप का एक्सप्लोसिव ग्रोथ इस सेक्टर में आता है, विच मतलब उसके लिए ऑब्वियसली फेवरेबल पॉलिसीज चाहिए, तो ये काफी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है जॉब्स के लिए, पूरा फॉर्मलाइजेशन के लिए, और एक काफी बड़ा पुश पूरे पूरी इकोनॉमी को मिल सकता है। एंड इसमें ऐसा ही नहीं कि खाली कंज्यूमर्स का बेनिफिट होगा, आपके सेलर्स का भी इसमें बेनिफिट होगा। जैसे आप सर बात कर रहे थे कि छोटे छोटे सेलर्स, अगर आप राजस्थान में मान लीजिए कुछ हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, आप कैसे अपने सामान को बैंगलोर तक पहुंचाएंगे, तो ई कॉमर्स एक जरिया है कि जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम को इससे बेनिफिट मिलेगा अगर हम लोग इस टाइप ऑफ ग्रोथ इसमें अचीव कर सकते हैं। एंड उसके लिए आई थिंक मोर ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, दैट इज समथिंग दैट इज नीडेड। एक चीज मैं ये कहूंगा जहां पे सौरभ, एक चीज मैं ये कहूंगा, हाँ वो सॉरी आप बोलिए ठीक है। तो प्रणय, इसमें एक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन थोड़ा शेप तो कर रहा है इकोनॉमी को, कि मुझे लगता है क्योंकि उनको डिजिटल बहुत समझ में नहीं आता है और दिखता कम है, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आसानी से। या अमेज़न के खिलाफ प्रोटेस्ट करने कहां जाओगे, है ना, वेबसाइट पे तो पत्थर नहीं मारोगे, पर अगर वॉलमार्ट का बड़ा सा स्टोर होगा तो आप जाके घेराबंदी करके बदमाशी कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो एक मुझे लगता है कि दिखती नहीं है चीज, उसकी वजह से हम थोड़ी एक जिसको कहते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, कि जिसमें हम छोटे रिटेलर हैं और ई कॉमर्स है, और इसमें सरकार के, और मुझे लगता है जबकि जगह तीनों की है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिजिकल एक्सपीरियंस होता है जो रिटेल का, उसकी कोई जगह नहीं है। खासकर जैसे हैंडीक्राफ्ट का एग्जांपल लिया अमित ने, अक्सर आप छू के देखेंगे तो आपका मन करेगा खरीदने का, फोटो देख के उतना नहीं करेगा, है ना। तो एक जगह इन सब चीजों की है, और हिंदुस्तान में रिटेल बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, अभी भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अगर सरकार हट जाएगी तो मुझे लगता है एक नेचुरल बैलेंस इवॉल्व होगा अलग अलग टाइप के रिटेल फॉर्मेट्स का,
जबकि सरकार के अभी रेगुलेशन की वजह से एक तरीके का हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि रिटेल में जो हो रहा है वो काफी कुछ रेगुलेशन द्वारा तय किया गया डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, और वो तो समझ में आई जैसे अमित ने बताया, होलसेल के लिए अलग रूल्स हैं और सिंगल ब्रांड के लिए, मतलब ये सब कृत्रिम तरीके से बनाए गए रूल्स हैं। वैसे सरकार की एक प्रशंसा मैं कर दूं कि जैसे जो यूपीआई बैकबोन जो बनाया है वो शायद फायदेमंद हो रहा है काफी छोटे बिजनेस के लिए भी, तो वो एक अच्छा चीज है। और ये सरकार ही कर सकती थी क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म बनाना है तो छोटे छोटे बिजनेसेस हो तो इंटरऑपरेबिलिटी में हमेशा मुश्किलात आएंगी, तो ये सरकार ने ये किया, ये काफी अच्छी बात थी मेरे हिसाब से। और ये शायद दुनिया का सबसे एडवांस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब दुनिया में कहीं भी ये नहीं है। अगर आप यूएस में हैं, आप किसी को पैसे ट्रांसफर करने, इतना सस्ता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे सस्ता तो हो नहीं सकता, मतलब अनलेस आपको बैंक ही पैसे दे दे पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो यूएस वगैरह में तो एकदम इतना महंगा होता है आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करना, एटीएम यूज करना, मतलब जो ये इंडिया का पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है इस ये एक अनपैरेलल्ड है बिल्कुल, मतलब दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं है। अब उसको खराब न कर दे सरकार, जैसे अब वो लिमिट लाना चाहते हैं कि आप गूगल पे कितने ट्रांजैक्शन कर सकता है हर घंटे, तो वो सब मुझे लगता है व्यर्थ है, हमें वो उन सब में नहीं घुसना चाहिए। मुझे उसमें लगता है प्रणय कि ये काफी इस टाइप की रेगुलेशन है कि आप उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब आप 30% एक महीने का लेंगे, 3 महीने का लेंगे, डेली एवरेज लेंगे, मंथली एवरेज लेंगे, वो आप निकालेंगे कैसे? मतलब और नुकसान ये है कि आपका मतलब ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं और किसी बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मतलब या तो आप फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ना, तो फिर या तो फिर आप उसको ब्लेम करेंगे या फिर आप कंज्यूमर को ब्लेम करेंगे, और ये अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल। खैर, तो बहुत मजा आया अमित, बहुत कुछ जानने मिला, आप आए उल्लियाबाजी पर, शुक्रिया, हमें रिटेल के बारे में नई जानकारी मिली और ये भी सीखने मिला कि सरकार की पॉलिसी की वजह से कैसे ये स्ट्रक्चर बना है और क्या आगे किया जा सकता है इस बारे में, तो शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद प्रणय, धन्यवाद सौरभ।